हमने पिछले वीडियो में देखा बुध और शुक्र के बारे में। अब बारी आती है पृथ्वी और मंगल ग्रह की। पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। यह पांचवा सबसे बड़ा तथा चौथा सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14,95,98,500 किलोमीटर है। इस यूनिट को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। सूर्य से इसकी निकटतम दूरी यानी पेरिहेलियन 14.73 करोड़ किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी यानी एफेलियन 15.2 करोड़ किलोमीटर। सामान्यतः पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, किंतु यह ध्रुवों पर कुछ चपटा और विषुवत रेखा पर कुछ फूला हुआ है। इसलिए इसका व्यास यानी डायमीटर ध्रुवों का 12,714 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 12,756 किलोमीटर होता है तथा इसका एवरेज डायमीटर 12,740 किलोमीटर है। पृथ्वी के इस प्रकार के गोलाकार आकृति को ओब्लेट स्फेराइड या लिप्सॉइड या जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अंडाकार मार्ग पर 107,160 किलोमीटर पर हावर की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में सूर्य का एक परिक्रमा करती है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है। साथ में पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1,610 किलोमीटर पर आवर की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर काटती है। इसी घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट सियाल या सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, इसे क्रस्ट या भूपट्टी भी कहते हैं। सेकेंड सीमा, यह लेयर सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर बना है, इसे मेटल लेयर भी कहते हैं। थर्ड निफे, निफे लेयर निकिल और आयरन से मिलकर बना हुआ है, इसे क्रोड भी कहा जाता है। पृथ्वी का डेंसिटी 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने का कारण जल है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन से निर्मित है। स्पष्ट है कि वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल यानी मार्स, यह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 22,80,00,000 किलोमीटर है तथा इसका व्यास 6,800 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 686 दिन में पूरा करता है, क्योंकि मंगल अपने ऑर्बिट पर झुकी हुई है, अतः यहाँ ऋतुएं भी होती है। यहाँ 6 महीने गर्मी और 6 महीने जाड़े का मौसम होता है। मंगल अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.7 आवर लगाता है। मंगल का डेंसिटी 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के मात्र 1/3 के बराबर है। मंगल की भूमि बंजर है। इसका लाल रंग इसके मिट्टी में उपस्थित लौह ऑक्साइड है, इसीलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की सतह अत्यंत जटिल है। यहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी व पर्वत पाए जाते हैं। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। यहाँ पर चैनल भी पाया जाता है। इनमें से एक चैनल वेलेस मरिनरिस है। इसकी लंबाई 4,000 किलोमीटर, चौड़ाई 200 किलोमीटर और गहराई 6 किलोमीटर है। इसकी सतह पर गहरे गड्ढे, ज्वालामुखी और ऐसी घाटियां हैं जिससे पता चलते है कि यहाँ पर कभी पानी का मुक्त बहाव रहा होगा। मंगल के चारों ओर एक पतला वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब बहुत कम है। वायुमंडल का 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। शेष में नाइट्रोजन, ऑर्गन तथा थोड़ी मात्रा में जल वाष्प उपस्थित है। थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन भी पाया जाता है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।